लेडीज के लिए, कोई भी कर सकता है पर खासकर लेडीज के लिए, कि आप कैसे रिलैक्स हो सकती हैं। तो ऐसी टेक्निक है जहाँ पे आप कॉन्शियसनेस से जुड़ते हैं और जहाँ पर जो भी आपकी अटकने हैं, जो भी प्रोग्राम्स हैं, ऐसी प्रोग्रामिंग जो आपको रोक रही है, जो आपको रिलैक्स नहीं करने दे रही, या फिर जब आप बहुत एक्स्ट्रा वायर्ड एंड टायर्ड रहते हैं और तब कुछ सोचता नहीं है कि अब रिलैक्स कैसे किया जाए, तो सिर्फ एक टेक्निक याद आती है मुझे जिसको हम बोलते हैं एक्सेस कॉन्शियसनेस। तो वो एक्सेस कॉन्शियसनेस के लिए आज स्टूडियो कोई हमसे मिलने आया था, लेकिन जैसे हमने बात करी कि हम एक्सेस कॉन्शियसनेस का ये छोटा एक सेशन कर सकते हैं, एंड शी वॉज रियली हैप्पी एंड रेडी फॉर इट। तो जया, क्या चीज़ ऐसी है जो आप एक्सेस कॉन्शियसनेस बार्स के बारे में इतनी एक्साइटेड रहती है कि हाँ मुझको प्लीज कराइए? बिकॉज इट रिलैक्सेस मी। रिलैक्सेस यू? बेसिक सिंपल, बहुत सारी चीज़ें वर्ड्स दे सकती हूँ मैं, लैंग्वेज बोल सकती हूँ, लेकिन सिंपल टर्म्स में अगर बोलूँ तो एक प्रोग्राम दैट हेल्प्स यू टू रीवायर योरसेल्फ। आप अपने आप बेसिक्स को ठीक करें तो मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, वो सबको रीवायर कर देता है। सो इट्स एज सिंपल एज दैट। ओके, तो जितने लोगों को भी ये सेशन लेना है सैम्पल, वो हमें हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन के नीचे नंबर आएगा और मैं बता भी देती हूँ, 6472270186 नंबर है। और मेरा नाम प्रियंका है, ये जया है। तो हम लोग जैसे सारे बिजी रहते हैं, कुछ ना कुछ हम काम कर रहे हैं और काम करने के साथ रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है। तो अभी विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हम लोग ये सेशन शुरू करेंगे और आप देखेंगे कि जया हो सकता है रिलैक्स करें और सो जाए, बट आई विल कीप टेलिंग यू समथिंग अबाउट इट। सो जया, अब इस सेशन में आपके जो हाथ हैं दोनों साइड में रहने चाहिए, आपने हाथ इंटरट्वाइन नहीं करने, सबसे बस ये कंडीशन रहती है। एंड देन जो भी आपको लगता है कि अच्छा मुझे रिलेशनशिप के बारे में आज कुछ चाहिए, अपनी बॉडी से ऐसे सारी चीज़ें हटा देनी है, जब मैं बॉडी बोल रही हूँ तो वो बॉडी मेंटल बॉडी, इमोशनल बॉडी, कॉजल बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी, हर तरह की लेयर पे काम करता है, तो कुछ भी हो सकती है। तो पहले तो आप ये सोचें कि आपको क्यों चाहिए। कई लोगों को ये होता है कि हमें नहीं पता, बस हमें रिलैक्सेशन चाहिए, बहुत ही बढ़िया जगह है, जैसे जया बस रिलैक्सेशन चाहिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि जब आप रिलैक्स होते हैं तो वहाँ वो स्टेज में आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, अगर हमें कुछ चाहिए तो वो एक्स्ट्रा काम करेंगे, एक्स्ट्रा काम नहीं कर पाएंगे तो वो वरी करेंगे, जब वो वरी करते हैं तो क्या करते हैं, अपने काम बिगड़ जाते हैं, वरी करते हैं तो कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि सारा खेल एनर्जी का है, सब कुछ रुक जाता है। मैं खुद कई बार डिप्रेशन में जा चुकी हूँ, मैं खुद मतलब हर कोई डिप्रेशन में जाता है, कभी किसी को पता नहीं चलता, जब भी दिमाग बहुत ज़्यादा सोचे और आपको कुछ ना करने दे, समझ लीजिए कुछ काम हो रहा है। तो टेक्निक बहुत सारी है, जैसे घर में आपका कूड़ा है, गंद है, डस्ट है, क्या करते हैं, शोर मचाते हैं, साफ करते हैं ना, साफ़ करते हैं तो अच्छा लगता है। ऐसे ही दिमाग में अगर कुछ है, जब आप साफ करते हैं, उसको अपॉर्चुनिटी देते हैं रिलैक्स कराने की, तो अच्छा लगता है। जैसे ही क्लीन हो जाए किचन, घर, कपड़े, अच्छा लगता है, पहनने का मन करता है। तो ऐसे ही जब हम भगवान जी के मंदिर, गुरुद्वारे या कोई भी भगवान जी की जगह होती है उसे क्लीन करते हैं तो अच्छा लगता है, वो क्लीन ही रहती है। कोशिश करते हैं वहाँ ना कोई बैर की बात याद आती है, ना किसी की कंपैरिजन होता है, ना ऐसा लगता है मेरे पास कम ज़्यादा, ऐसा लगता है सुकून में है। तो आपका शरीर जो है वो भी भगवान का घर है, तो वहाँ पे आप हम क्यों वरी डालते हैं? अच्छा, हमें डालने का शौक होगा, जो हम डालेंगे अचानक से डल जाती है। अचानक से कैसे डल जाती है? जो बचपन के प्रोग्राम्स हैं, मैं बोलूँगी जो पिछले जन्म के प्रोग्राम्स हम लेके आते हैं, वहाँ से डली हुई होती है। कैसे? कई बार ग्रीफ होता है, किसी की कोई चले गए इस संसार से और आपने ग्रीफ लेके रखा, आपने सामने से स्माइल दी कि ठीक है सब कुछ ठीक है, पर अंदर से आपने ग्रीफ जकड़ लिया। और ऐसा कई बार हुआ, कई बार हम कुछ और जन्म में कुछ और थे, वहाँ से ग्रीफ हुआ और वो लेयर्स 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 बन गई। तो
तो कुछ भी आप कर लें, जैसे होता ना एक इटर्नल जॉय मिलता ही नहीं है, हमेशा कुछ ना कुछ कभी खुश होने की कोशिश करें फिर कम आता है। और हम जहाँ से जो कल्चर हमारा है, हम बोलते हैं सुख दुख आते रहते हैं, क्यों ज़रूरी भी है, क्यों, ताकि जब दुख हो तो आप परमात्मा से जुड़ें, वो एक बात सही है, पर दुख हो तो आपके हाथ पैर हैं, आपके पास रिसोर्सेज हैं, जाइए दुख का हल करिए, जिसके पास दुख है उसका दुख आप कम करेंगे आपका खुद ही कम हो जाता है। एक्स्ट्रा स्पिरिचुअल बातें हो रही है, बट अगर वहाँ पे मैं नहीं हूँ, मुझे अपना दुख कम करना है, क्या मेरे पास कैलिबर है, दूसरे पॉइंट पे हम जाएंगे। तो शुरू में हमने बात करी थी कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके लिए आज मुझे ये टेक्निक चाहिए, कौन से ऐसे सफ़े हैं जो मुझे मिटाने हैं, जो लेसन लिखे हुए हैं, जो प्रोग्रामिंग लिखी हुई है वो मुझे इरेज करनी है, कौन सी, मनी, अच्छा क्रिएटिविटी, मैं इतनी समय से कुछ काम करना चाहती हूँ नहीं कर पा रही, अच्छा क्रिएटिविटी में कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे, उसे डिलीट करना है, या फिर हम बोलेंगे तो ऐसे आप सोचें। पर कई बार आप इस सिचुएशन में ही नहीं होते कि सोच पाए कि हाँ यहाँ पे हम अटके हुए हैं, ये चीज़ चाहिए, इसको बोलते हैं डीप डिप्रेशन, अंदर ही अंदर माइंड इतना सोच रहा है और आपको राह नहीं सूझ रही, आप एक लाश की तरह कुछ काम, प्रोग्रामिंग, लाइक यू आर टू मच प्रोग्राम्ड, और उसी के तहत आप कुछ भी एक चीज़ करे चले जा रहे हो, और उससे अलावा आप कुछ सोच नहीं पा रहे, सोचना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो, पर नहीं हो रहा। तो ऐसे सब चीज़ें ऊपर आने दें, जितनी अभी आप हम सब मिलके सोच रहे हैं वो सब जया का भी क्लियर हो रहा है और आप लोगों का भी क्लियर हो रहा है कैसे काम करता है। जब भी हम रिमोटली कुछ चीज़ करते हैं ना, जैसे हम प्रेयर बोलते हैं, उसके लिए डिस्टेंस और टाइम की ज़रूरत नहीं होती, ये एक जब आप जो लोग जुड़े हुए हैं अभी यहाँ पे और ध्यान से सुन रहे हैं वो जुड़े हुए हैं, उन्हें समझ में आता होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो एक ऐसी स्टेज है हमारे ब्रेन में, माइंड में, जहाँ जो टाइम की मोहताज नहीं है, जहाँ पे आप बोलते हैं और वो चीज़ हो जाती है। कैसे पता चलता है? जितना आप ट्रस्ट करते हैं वैसे पता चलता है हाँ हो गई। कुंती ने कर्ण को जन्म दिया था, 9 महीने का वेट नहीं किया था, सूर्य की आंखों में देखा था और उनका जन्म हो गया था। ऐसे काफ़ी सारे एपिसोड्स हैं, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में स्वामी विवेकानंद जी बताते हैं कि एक सेज थे जो किसी गोरे से बात कर रहे थे, गोरे को चिंता हो रही थी कि मेरी वाइफ लंदन में क्या कर रही है, वो बीमार है। तो सेज ने बोला कि चीज़ ओके, वो बिल्कुल ठीक है। कुछ समय बाद वाइफ लंदन से आई यहाँ पे और उन्होंने बोला, वाइफ ने, कि ये जो सेज है ये हमारे लंदन में हमारे घर पे मेरा हाल पूछने आए थे, इन्होंने मुझे दवा दारू या मेरी टेक केयर करी थी। और उस टाइम पे वो जो गोरे थे वो हैरान हो गए। तो मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि आप जब उस एरा पे जाते हैं, उस एनर्जी से कनेक्ट होते हैं, तो आप कहीं पर भी किसी टाइम पर भी हो सकते हैं। कई स्पेकुलेशन आती हैं कि कैसे हम कर सकते हैं, क्योंकि बॉडी लिमिटेड है। अभी अगर मैं वेलेंड से यहाँ ब्रैम्पटन आई हूँ तो मुझे ड्राइव करके आना पड़ा, पर अगर ऐसी टेक्निक हो कि मैं आँख बंद करूँ और टेलीपोर्ट हो जाऊँ कहीं पर, दैट विल बी सुपर एडवांस। और इंडिया में हम लोग ऐसे करते थे। तो वापस इसी टेक्निक पे आते हैं, आज जो भी हम सारे लोग सोच रहे हैं कि एनर्जी मनी की चाहिए, एनर्जी क्रिएशन की चाहिए, एनर्जी जॉय की चाहिए, सैडनेस हटाने की चाहिए, तो सारी एनर्जी आज हम करेंगे। तो ये जो हम पॉइंट हम कर रहे हैं, स्पेशल ट्रेनिंग होती है, आप एक दिन की ट्रेनिंग करते हैं, आप किसी को भी ये वापस दे सकते हैं। कोशिश करें कि हमेशा जब भी आप करें, 20 मिनट का फ्री सैंपल होता है, आसपास कहीं पर भी हो रहा होगा आप कर सकते हैं। 20 से ज़्यादा हमको अलाउड नहीं है, बिकॉज एनर्जी वर्क है। सो आई वुड से हमेशा आप एनर्जी ट्रांजैक्शन करिए, कुछ जब भी आप कोई भी चीज़ लेते हैं एक चीज़ बांध दीजिए कि हाँ मेरी, जैसे हम 40 दिन का कुछ रखते हैं, 21 दिन का कुछ रखते हैं, हम बोलते हैं कि 21 दिन का व्रत तो उसके पीछे हमें ये मिलेगा, 40 दिन में ये करूँगा
तो आप कीमत पहले देते हैं, 40 दिन मैं नहाऊंगा, 40 दिन मैं पूजा करूंगी और 40 दिन के बाद मुझे ये चीज़ की प्राप्ति होगी। तो एक ट्रांजैक्शनल हमेशा होता है, क्यों? आपका मन उस चीज़ से हमेशा लाइट रहेगा कि कोई यहाँ पे हमारे कर्म नहीं जुड़े। सो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है एनर्जी को लेके। मैं पहले इतना वोकली नहीं बोलती थी, बट अभी आई एम अ बिलीवर ऑफ इट, तो उसको बोलती हूँ। तो जैसे मैंने ये बोलना शुरू किया, इनका मनी क्रिएटिविटी और मनी कंट्रोल एंड क्रिएटिविटी का पॉइंट हम चला रहे हैं इस टाइम पे, तो उस पॉइंट पे इनके जो प्रोग्राम्स हैं ये काफ़ी लोगों के फ्री में हेल्प करती हैं। तो क्यों करती हैं? नेचर है, ट्रांजैक्शन जितनी होनी चाहिए उतनी क्लियर है, अच्छा क्लियर है, कई जगह हो सकता है नहीं भी क्लियर हो। हमें नहीं पता ये पॉइंट्स क्यों इतनी तेज़ से गर्म हो रहे हैं या हिल रहे हैं। जब ये पॉइंट्स, हम बोलते हैं बार्स रन करना, जैसे कोई भी चार्ट होता है तो उसमें लाइंस होती हैं, उसको बार्स कहते हैं ना। तो ऐसे ही हम समझ लीजिए दिमाग का जो कंप्यूटर है उसमें बार्स हैं, उसमें बार्स में आपकी स्टोरी स्टक है। तो अभी आप जब हम ये प्रेस करते हैं, हल्का लाइट फेदर टच लगाते हैं, मेरे सर पे अगर कोई ज़्यादा टच करे तो उससे मुझे डिलीशन महसूस नहीं होता। जब कोई लाइट फेदर लाइट टच करे तो ऐसा लगता है कि हाँ बहुत हल्का बना रहा है। तो एनर्जी का काम ट्रांजैक्शनल है, हमेशा आप उसको क्लियर रखें। और अपने आसपास गूगल में आप टाइप कर लें एक्सेस कॉन्शियसनेस, आसपास कोई जगह होगी आप वहाँ जा सकते हैं। काफिला टीवी आना है या फिर आपको वेलिन आना है हमारे पास 20 मिनट्स के सेशन के लिए, आप बहुत खुशी से आ सकते हैं अपॉइंटमेंट लेकर। आई विल बी सुपर हैप्पी टू कंट्रीब्यूट। या फिर हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं भी है तो आसपास ढूंढ लें, 8 घंटे का सेशन भी आसपास ढूंढ लें। 8 घंटे के सेशन के बाद कहानी शुरू होती है कि आप पूरे दिन का जो सेशन करते हैं, जो भी उसकी कीमत है वो देते हैं, और जो भी आपने सोचा होता है कि ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी या ये चीज़ें में मुझे आपकी एक्सपेक्टेशन डिज़ायर होनी चाहिए और साथ में एक्सपेक्टेशन भी होनी चाहिए। हमने ये स्टोरी बना ली कि जब भी हम एक्सपेक्ट करते हैं वो फेल होती है, तो इससे अच्छा एक्सपेक्ट ही ना करो। बहुत कोटेशन कोट्स भी हैं। तो अभी क्या हो गया, डोंट एक्सपेक्ट, क्योंकि आपको हर्ट होता है। ठीक है, हर्ट होता है, वो आपकी प्रॉब्लम है, किसी ने हर्ट किया नहीं, आप हर्ट हुए। सो बहुत गुड बातें चल रही हैं अभी। अब हम उसके साथ दूसरे पॉइंट्स पे पहुंच गए हैं यहाँ पे, विच इज़ क्रिएटिंग कंट्रोल, क्रिएटिंग लाइफ फॉर्म्स एंड क्रिएटिविटी, 3C बोलते हैं इनको हम। तो जो भी पॉइंट्स इनके लिए ज़रूरी हैं वहाँ पे अपने आप फिंगर्स जा रही हैं। जब मैं पहली बार ये सेशन करने गई थी तो मुझे लगा था इंडिया में तो हमको 144 पॉइंट्स पता है। आप दो गोरे लोगों का ये फाउंडर हैं इस क्लास के, तो आप जो हमें 32 पॉइंट्स बता रहे हैं, हम इंडिया से आए हैं, हमें ज़्यादा पता है। तो व्हाट आई वाज डूइंग, एक्चुअली आई वाज जजिंग देम। जब भी आप जज करते हो आप रिसीव नहीं कर सकते, पीरियड। जब भी आप जज करते हो आप खुश नहीं रह सकते, क्योंकि आपका सारा टाइम तो जज करने में जा रहा है। और मैं एक ऐसा प्राणी हूँ जो एक्स्ट्रा जज करता है, सिंगल मॉम। अच्छा, जज करते हैं हम क्योंकि वो सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए हमारे लिए एक मैकेनिज्म होता है, सेफ्टी मैकेनिज्म, कि आप नाप तोल के करते हैं ना, एक पता लगा लेते हैं कि क्या चीज़ है। पर अगर आपको हमेशा विश्वास हो कि जो भी आपके लिए हो रहा है वो खुदा कर रहे हैं, भगवान जी कर रहे हैं, आपके लिए सब कुछ अच्छा ही होगा, तो आप कितना इन्जॉय कर पाएंगे। एक बच्चा शोर ही मचा रहा है, आपने मेरे साथ ठीक नहीं किया, आपने मेरे साथ ठीक नहीं किया, खुश रहेगा? नहीं। अगर वो पेरेंट्स पे विश्वास करे तो हमेशा खुश रहेगा, क्योंकि पेरेंट्स लाइक एग्जाम्पल, यहाँ पे गॉड, भगवान जी, वो हमेशा हमारे लिए अच्छा ही करते हैं। तो हम कौन होते हैं जज करने वाले ना। तो वापस आएंगे इस, मुझे स्नोरिंग सुनाई दे रही है, तो हम वापस आएंगे यहाँ पे जहाँ पे मैं आपको बता रही थी, ये एक्सेस कॉन्शियसनेस के जब आप सेशन लेते हैं कहीं से, वापस बोलूँगी गूगल सर्च करिए, आसपास जहाँ पर भी हो रहा है ले लीजिए। वेलेंड आना है, ब्रैम्पटन आना है, मैं कंडक्ट करती रहती हूँ वहाँ क्लासेस, ले लीजिए। काफिला टीवी आना है, मैसेज करिए काफिला, मैं नंबर वापस बोल रही हूँ 6472270186। अगर इस नंबर पे आप मुझे काफिला मैसेज करते हैं
तो हम काफिला में सेशन करेंगे, वेलन मैसेज करते हैं तो हम वेलन में करेंगे। तो जितने लोग नायग्रा फॉल्स में हैं, नायग्रा ऑन द लेक्स हैं, वेलन है, आजू बाजू है, या ट्रैवल भी कर सकते हैं अच्छी तरह, तो आप आके सेशन ले सकते हैं। एनर्जी क्लियर रखिए अपनी, क्या चाहिए आपको, कहाँ आप अटके हैं। कई बार हमें नहीं पता होता, अगर वो बच्चे को रिलैक्स करना आता होता तो वो चिंता करता ही नहीं, पुराने लोड्स हैं उसके पास कोई। तो जब भी आप प्यार से समझाते हैं किसी को, वो वैसे ही समझ जाता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट जा रहे हैं, एजिंग टोस्टर पे। तो एजिंग टोस्टर क्या करता है, एज से रिलेटेड जितने भी हमारे अपनी नोशंस हैं, जो लिमिटेशंस हैं, प्रोग्रामिंग है, जैसे कि इस एज में जाके गोडे ख़राब हो जाते हैं, इस एज में जाके रिंकल्स आती हैं, इस एज में जाके स्किन लटकती है, इस एज में जाके आंखें ख़राब होती है, व्हाटएवर, ये सारी लिमिटेशन है। किसने बोला, आप बोलते हैं इतने समय से तो हम देख रहे हैं सबने ऐसे ही किया है और सारे इस एज में आके ऐसे ही होते हैं, ठीक है, उससे पहले जाएं क्या था। आप बोलेंगे कि वेदर अच्छा था, फसलें अच्छी थी, मिट्टी अच्छी थी, तो लोगों को रहन सहन अच्छा था, डिस्ट्रैक्शंस कम थे, गैजेट्स कम थे, तो हम फिर सारी जस्टिफिकेशन देते हैं। पर ऐसी जगह पे आप आ जाएं जहाँ पर अभी भी चाइना में, जापान में, इवन इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो एज के बाद भी एज्ड नहीं है, दे आर एजिंग ग्रेसफुली। देखो बच्चा भी एज होता है, बैटरी अगर फ़ोन में लगी है वो डिप्लीट होगी, आपके यूसेज पे डिपेंड करता है कि आप कैसे यूसेज करते हैं। सेम बॉडी के साथ है, पर बॉडी में बहुत सारी चमत्कारी चीज़ें हैं। कैसे, क्यों, सोचें, बॉडी इंसानों ने बनाई है, हम मैजिकल मशीन्स हैं, हमारी बॉडी में ऑटोमेटिकली चीज़ें हो रही हैं, दिल ऑटोमेटिकली धड़क रहा है, आपका माइंड ऑटोमेटिकली सोच रहा है, ट्रेन किया जा सकता है उनको, पर काफ़ी सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हो रही हैं। या तो आप मैजिकल चीज़ को मैजिक की तरह यूज़ करना चाहेंगे कि लिमिटेड वे में, सोच के देखिए। तो आई वुड से जितना मैजिक हमारे पास है, जितना हम विश्वास करते हैं उतना मैजिक काम करता है। तो अभी हम इसको कंक्लूड करेंगे, जितना हमने डिलीट किया वो डिलीट ही हो जाए। जैसे कोई हम यज्ञ करते हैं ना, और फिर उसके बाद बोलते हैं कि लक्ष्मी जी और गणेश जी तो यहाँ बसे रहें, बाकी सब सारे गेस्ट जो हैं वो रिस्पेक्टफुली आदर सहित अपने अपने घरों को लौट जाएं, बहुत शुक्रिया आप यहाँ आने के लिए, यज्ञ के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर हम क्या बोलते हैं कि जो हमने स्टोरी नए डिज़ाइन बनाए, जितनी डिलीट हमने कर ली, जितना घर साफ़ किया वो साफ रहे। बचपन का सीन आपको याद होगा कि जब घर पे पोछा लगता था तो कर्फ्यू हो जाता था कि आपको वॉक नहीं करना, क्योंकि जो साफ़ सफाई है वो साफ़ रहे, गंदे पैर लाना अलाउड नहीं है। तो जब आप साफ़ सफाई कर रहे हैं ऐसे, तो वो साफ़ रहे। कैसे, आप बोलते हैं कि वो इसी जगह लॉक हो जाए, फिर बेटर एंड बेटर होता है कि अगली बार आप करते हैं उससे बेटर होता है, उससे बेटर होता है, उससे बेटर होता है। क्या एक सेशन में हमें वो चीज़ मिल जाएगी, डिपेंड करता है कि एक सेशन में आपको रिलैक्सेशन तो मिलती है कि काफ़ी सारी चीज़ें चेंज होती हैं, और कितनी देर तक आप उसको परसिस्ट करते हैं, कितनी देर तक आप उसको अलाउ करते हैं, वो आपके बिलीफ पे डिपेंड करता है। सो हम एनर्जी को भेज रहे हैं आप लोगों के पास, सबके पास, और अभी हम सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जो जया को कंट्रीब्यूशन हुआ वही कंट्रीब्यूशन मुझे हुआ, और वही कंट्रीब्यूशन आप लोगों को हुआ जो आप देख रहे हैं। तो हमारी जो कॉमन स्टोरीज़ हैं वो सारी आज अभी डिलीट हो चुकी हैं, और बी ओपन, देखें आसपास सर्च करके कि अगर कुछ है तो एक सेशन ही क्यों ना ले लिया जाए। माई ब्रदर कॉल मी फ्रॉम इंडिया कि ऐसा कुछ हो रहा है, और आई यू अवेयर ऑफ इट, और उसने मुझे एक स्टेटमेंट भेजी, पॉड एंड पॉक, कि कभी भी जैसे हम इरेजर की तरह आइए, कभी भी कुछ आपको दिखे इरेज करने के लिए पॉड एंड पॉक यूज़ करो,
एंड आई गॉट क्यूरियस. पहले मुझे लगा वो सारी ऐसी चीज़ें भेजता है, फिर मैंने गूगल किया, वो फ्री स्टेटमेंट है. तो आज हमारा कंट्रीब्यूशन आपके लिए है कि आप पॉडन पॉक PODPOC सर्च करते हैं गूगल में, पूरी स्टेटमेंट आ जाएगी. अब उसको सुनना शुरू करें. जितने लोगों को लग रहा है एक्सेस कॉन्शियसनेस से, उनको लग रहा है कि यस लेट मी पुट माई अटेंशन हियर, सो वाई नॉट यू कैन सर्च फॉर इट. सो वंस यू सर्च फॉर इट एंड यू नो स्टार्ट यूजिंग इट, इट विल कंट्रीब्यूट मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर एंड देन योर लाइफ विल बिकम बेटर एंड बेटर एंड बेटर. कभी भी हम खड़े हुए पानी की तरह नहीं रह सकते कि अभी ये बेस्टेस्ट है, क्योंकि हम यहाँ आए हैं अपने ऊपर काम करने के लिए. तो वी आर हेयर टू लॉन्ग फॉर बेटर एंड बेटर एंड बेटर एंड दैट्स आई एम फीलिंग सो गुड. अंदर से बहुत अच्छा लग रहा है कंट्रीब्यूट करके. सो इनको बोल सकते हैं योर बार्स आर डन. थैंक यू. प्लेजर. It's okay. Amazing. It is so relaxing for sure. Beautiful. Yeah. So good to know that it was relaxing. So, आज के लिए इतना ही. एक बार फिर से अपना नंबर हम बता देते हैं 647-227-0186 so that you can contact us to get a session, maybe an hour, 20 minutes or a full 8-hour session. And thank you so much for giving your attention. Thank you so much, Priyanka. Pleasure. Thank you.